this Sunday, I also watched the Bollywood action thriller Pathaan, जो सबको बहुत पसंद आ रही है. लोग crazy हो रहे हैं man, because Pathaan एक typical सिद्धार्थ आनंद फिल्म ही नहीं है, एक fresh story भी है. शाहरुख खान has come back with a bang after a 4-year hiatus. और 4 साल के बाद क्या कमबैक किया दोस्तों. जॉन अब्राहम जहाँ पे नेगेटिव शेप में दिख रहे हैं वो भी स्मैशिंग लग रहे हैं. But I have to say guys, Deepika is looking amazing in all the action sequences and she justified her character. बड़े लंबे समय बाद बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस को हम इस तरह से fearlessly, without hesitation और smooth reaction करते हुए देख रहे हैं. Of course, kudos goes to the director Siddharth Anand. लेकिन उन्हें इतना लंबा समय क्यों लग गया एक फीमेल कैरेक्टर को इस तरह से फियरलेस दिखाने में. फियरलेस तो नहीं बोलूंगी मैं, कहूंगी किस तरह के एक्शन यू नो दिखाने में क्यों उनको इतना टाइम लग गया. वेल, देर आए दुरुस्त आए. जैसे ही लोगों को पता चला कि YRF स्पाई यूनिवर्स पठान को प्रेजेंट कर रहा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पहले से ही ऐसे बढ़ चुके थे क्योंकि ये उनकी चौथी फ्रेंचाइजी है पठान. पहली थी उनकी टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है वॉर, अब ये पठान, एंड टाइगर जिंदा है 3 इज इन द पाइपलाइन. ओके, तो आई थिंक शायद हम एक कैमियो देख सकते हैं. किसका? हमारे पठान का. जी हाँ, इस मूवी में बहुत बड़ा जो कहूंगी बहुत मजेदार जो कैमियो किया है वो है सलमान खान ने. एंड इन द थिएटर्स द मोमेंट सलमान खान कम्स ऑन द स्क्रीन पीपल गो बिजर्ग. इतने सीटियां बज रही थी, इतनी तालियां बज रही थी कि मैं क्या कहूँ. एक्शंस इन पठान आर डेफिनेटली यू नो ऑफ नेक्स्ट लेवल और ये हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स को सर्टनली मैच करते हैं. और फिल्म में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका के अलावा आपको आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे. और गाइस, बहुत से लोग नहीं जानते हैं बट यहाँ पे बता दूं, आमिर खान का भी डीप कनेक्शन है पठान मूवी से क्योंकि उनकी बड़ी सिस्टर निखत खान हेगड़े का भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा. अलॉन्ग विद आमिर खान, शी वॉज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी लगान एंड हम है राही प्यार के अदर मूवीज. एंड एट द सेम टाइम शी एक्टेड इन मिशन मंगल, सांड की आंख और तान्हाजी. I'm going to focus on 4 points which I feel has gone in favor of Shahrukh Khan's high voltage action spy thriller Pathaan. 2023 में ये सिर्फ शाहरुख की बड़ी फिल्म नहीं थी बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ी फिल्म थी और इसका चलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कोरोना के बाद जो डल फेज पूरे बॉलीवुड ने देखा है उससे उभरने के लिए ऐसी ही एक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड को ज़रूरत थी और शाहरुख खान ने 4 साल के गैप के बाद वो बॉलीवुड को दिया है. इतने सालों बाद हम देख रहे हैं कि हाउस फुल जा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ आनंद डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड एक्शन सीक्वेंसेस. तो मैं उस पे फोकस करने वाली हूँ गाइज. गाइज, जबरदस्त ट्रोलिंग और बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद पठान एक ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है और अब भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. तो इससे बॉलीवुड को सीखने की जरूरत है. पठान के कुछ तो USP हैं और मैं 3-4 USP आपको गिना सकती हूँ. द फर्स्ट USP इज दैट पठान इज नॉट अ रीमेक ऑफ साउथ इंडियन मूवी. अब तक बॉलीवुड पर सिर्फ यही इल्जाम लग रहे थे कि कुछ ओरिजिनल बनाओ. एक सिंपल मसाला एंटरटेनमेंट मूवी है लेकिन ओरिजिनल स्टोरी है तो ये इसके पक्ष में जाती है एंड आई थिंक ये लोगों को पसंद आई है. द सेकंड USP ऑफ पठान इज दैट ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग देयर एज. इतने सालों से लोगों का ये कंप्लेंट रहा है कि बॉलीवुड में सीनियर और ओल्डर एक्टर्स यंगर एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं जो समटाइम्स लुक्स वेरी ऑड. सो दिस टाइम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैज टेकन केयर ऑफ इट एंड आई थिंक पीपल आर सैटिस्फाइड इन दिस यू नो कैटेगरी बिकॉज SRK एक ऐसे रॉ एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है फील्ड में. सेम गोज फॉर दीपिका एंड जॉन. तो द एज अप्रोप्रिएटनेस इज द बिगेस्ट USP ऑफ दिस मूवी. द थर्ड USP ऑफ पठान विच इज गोइंग इन फेवर ऑफ दिस एक्शन थ्रिलर इज अ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर.
Unlike the previous movies, you know, of Bollywood or even of Siddharth Anand's previous movie War, जहाँ पे वाणी कपूर का रोल मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था, उसको अगर आप इरेज भी कर दो तो मूवी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस मूवी में सिद्धार्थ आनंद ने यू नो इसका खासा ख्याल रखा है और दीपिका के लिए एक ऐसा रोल लिखा है जो किसी ऐसा के कैरेक्टर से किसी भी चीज में कम नहीं है. शी इज अ सोल्जर एंड शी इज कमिटेड टू हर टास्क एंड शी इज फियरलेस एंड पावरफुल. तो ये कैरेक्टर लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है. सबकॉन्शियस इवन आपने अगर नोटिस भी ना किया, बहुत से लोगों ने शायद नोटिस ना भी किया हो, बट ये आपके जहन में सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपको दिखाता है कि दीपिका किसी से कम नहीं है. तो आई फील दीज थ्री USP हैज गॉन इन फेवर ऑफ पठान. ओके डिस्पाइट ऑल द ट्रोलिंग एंड ऑल दोज यू नो बैकलैश. तो जरूर जाइए, एंजॉय करिए, इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट. मसाला है, पूरा पैसा वसूल मूवी है. विद दिस इट्स अ रैप गाइस. अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख ली है, क्योंकि अब तो आज तो 30 तारीख है, तो ज़रूर मुझे बताएं आपको कैसा लगा. और अगर आपने कुछ और चीज़ें नोटिस की है पठान की जो शायद मुझसे मिस हो गई है, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ गाइस, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे गाइड करिए, एनकरेज करिए और मुझे बताइए कि मैं और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.